जिला शाहजहांपुर के तहसील कलान में हुए वीआईपी पार्टी के जोरदार धरना प्रदर्शन। वीपीआई पार्टी के कार्यकर्ता बरेली मंडल से भानु प्रताप सिंह ने और जनता के मिलकर तहसील कलान में जोरदार धरना प्रदर्शन किया और जनता ने अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को सामने रखा, जो वीपीआई पार्टी के कार्यकर्ता प्रमोद कुमार यादव एवं हुकम सिंह यादव जनता के समक्ष मौजूद रहे और जनता की सभी बातें सुनी और कहा कि हम जनता के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी साथ जनता की इसी तरह की धरना प्रदर्शन चलती रहेगी। और जनता के बारे में काफी बातचीत की और बताया कि भोली भोली जनता को अब कोई भी पार्टी एक से बढ़कर एक लालच देकर गुमराह नहीं कर पाएगी। बताया जाता है कि एवं वीपीआई पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान जनता के अच्छा सपोर्ट किया और कहा कि हम साथ हैं और हम सब एक ही साथ रहेंगे। घटी थी और इतनी महत्वपूर्ण और आवश्यक घटना थी जिससे दुनिया के वोटरों की तकदीर बदल सकती थी, जिसमें माननीय भरत गांधी जी जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक हैं उनके माध्यम से 137 सांसदों के द्वारा समर्थन प्राप्त करके 222 पेज की याचिका पार्लियामेंट में गई थी। उसकी मूल अवधारणा ये थी कि जो राष्ट्रीय औसत आमदनी है जीडीपी जिसको कहते हैं वो राष्ट्र के नागरिकों की साझी संपत्ति है, उस साझी संपत्ति का हर वोटर को लाभ पहुँचे इसलिए उन्होंने एक डिवाइडेशन किया कि जो राष्ट्रीय औसत आमदनी है उसके दो पार्ट किए जाएँ, एक हिस्सा राष्ट्र के विकास में लगे और दूसरा हिस्सा वोटर के पेट के विकास में लगे। इसका मतलब है कि जीडीपी का 50-50 यानी हर वोटर को हर महीने राष्ट्रीय औसत आमदनी की आधी रकम वोटरशिप राइट मतकर्ता वृत्ति अधिकार कानून के रूप से हर वोटर के खाते में नगद जानी चाहिए, जो आज की कीमतों पर लगभग 6,000 रुपये महीने बनता है। अगर ये 6,000 रुपये महीने हर वोटर को मिले और देश में चलाई जाने वाली सरकार द्वारा जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं ये अगर बंद कर दी जाएं तो धरती पर किसी भी प्रकार का कोई अनाचार कोई क्राइम नहीं रह जाएगा। सुनने का अगर आज हमारे देश में एक एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गवर्नर तक अगर अपने काम की तनख्वाह ले सकता है तो वोटर ये जो आज देश का जो आज कतार में लग के लाइन में लग के इस देश का भविष्य तय करता है उसके खाते में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ गाली और लाठी, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। इसलिए हम वोटर्स पार्टी ने निर्णय लिया कि देश में अगर काम का पैसा सबको दिया जाएगा तो वोट डालना भी एक काम है, इसलिए देश के वोटरों को हर महीने औसत आमदनी का आधा हिस्सा यानी वोटरशिप जैसे स्कॉलरशिप दी गई उस तर्ज पे वोटरशिप देश के वोटरों को दी जाए और जो अराजकता और जो आज बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं इससे उनको बचाया जा सके और भारत को लीबिया सीरिया से बचाया जा सके। आपकी लड़ाई जनता के लिए है जी हाँ, और जब तक जनता को इसका जो आपने जो अपनी शर्तें सरकार के सामने रख रहे हैं अगर नहीं मिलेगी जी, जब तक जनता को नहीं मिल रही है तो आगे भी आप प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, ये प्रदर्शन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई है, ये एक एक महाभारत है, एक बार पांडवों और कौरवों की महाभारत हिस्सेदारी को हुई थी, आज ये देश के जो आज तमाम पांडव हैं बेचारे जिनका हिस्सा सरकार ने ये कह के मार रखा है कि नहीं नहीं आप एक बात बताइए कि अगर कोई योजना आज चलती है तो क्या गरीब को मिल रही है क्या? आज अगर किसी के घर पे तिरपाल नहीं है, किसी की छत पे तिरपाल नहीं है, आज गांव में जब अगर उसके नाम कॉलोनी आती है तो अगर 20,000 रुपये होते तो शायद उसके छत पे तिरपाल पड़ा होता, टीन पड़ी होती, जब 20,000 नहीं है तो उसको कॉलोनी कैसे मिलती है बताइए। आज जो सरकार की जो योजनाएँ हैं वो सब भेंट चढ़ती चली जा रही हैं लोगों की और लोगों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। आप हमसे और कोई सवाल पूछना चाहते तो आप जो है इस लड़ाई को बराबर लड़ते रहेंगे जब तक हमने जनता को इसमें न्याय नहीं मिलता जी हाँ। पहले हमने तो ये सोचा कि पार्लियामेंट सदन से ही सारा सब कुछ फाइनल हो जाए तो हमें पार्टी शार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि देश में वैसे भी बहुत सारी पार्टियाँ थी, लेकिन हम लोगों ने जब ये लड़ाई 2005 और 6 में पार्लियामेंट में जीत ली और पार्लियामेंट में हमारे सब्जेक्ट को दबा दिया गया और वोटरों को उनका हक नहीं दिया गया, तब हमने ये ठान लिया है कि जिन लोगों ने नेता पैदा किए हैं उन तक गली गली गांव गांव शहर शहर जाके हम उनको जागरूक करेंगे। शाहजहांपुर से अमित कुमार के साथ अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ शाहजहांपुर।